तो फ्रेंड्स फाइनली टाइम आ गया है अपनी बलेनो को क्लीन करने का। तो मैं ले जा रहा हूँ अपनी बलेनो को क्लीन करने, देख सकते हैं इसका लुक। तो अपनी बलेनो काफ़ी गंदी हो रखी है और इसके टायर देखे काफ़ी मड, इसे मैं बाहर से वॉश करूँगा, इसे घर पे क्लीन नहीं करूँगा। थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि ये नीचे एरिया में बहुत सारे मड लगे हुए हैं। तो रीज़न ये है कि जो मैं प्रेशर से वॉश कराऊँगा तो इसके अंडर बॉडी के सारे क्लीनिंग हो जाएंगे और साथ के साथ इसकी जो वॉशिंग के बाद जो पॉलिशिंग करके जो बलेनो का लुक आएगा वो आप देखने लायक होगा। तो मैंने एक जगह फाइंड आउट किया है जो दिल्ली में है, वेस्ट दिल्ली में, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ और अपनी गाड़ी की वॉशिंग करा रहा हूँ। और देखिए इसका कंप्लीट प्रोसेस और क्या बढ़िया शाइन आती है, क्योंकि इनकी पॉलिशिंग बढ़िया रहती है और बोलते हैं कि नॉर्मल 1 मंथ तक इनका पॉलिश चलता है। तो मैं आफ्टर मार्केट इसे जा रहा हूँ वॉशिंग कराने, और वॉशिंग और क्लीनिंग का प्रोसेस आप देखिए और पॉलिश करने के बाद काफ़ी बढ़िया शाइन आएंगे। हालांकि गाड़ी क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर पे भी करता हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है कैसे घर पे क्लीन करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आफ्टर मार्केट में बाहर भी वॉश कराएं जब काफ़ी मड जम जाता है, तो इससे रस्टिंग से आप बचेंगे। तो ये लुक देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है, अब प्रोसेस देखते हैं इसका। और गाड़ी की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है, जहाँ से आप देखें ये सारा मड जमा हुआ टायर पे बहुत सारा। तो रीज़न यही है कि ये मड क्लीन मैं घर पे नहीं कर सकता, अंडर बॉडी वॉश नहीं कर सकता। इसकी देखें हालत कैसी है, ये सारे देख सकते हैं डस्ट जमा हुआ है। तो मैं एक हाई प्रेशर से वॉश के रीज़न से इसका इंजन दिखाता हूँ मैं आपको। इंजन की हालत देखें कितना ज़्यादा गंदा है। हालांकि इंजन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप पानी से इसको वॉश कराएं, लेकिन मैं आज इसे वॉश कराऊंगा। काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करने के बाद इसकी वॉशिंग की जाएगी कि ताकि ये क्लीन हो गए। ये सारे एरिया मुझे कवर करना है कि ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में कोई भी तरह की दिक्कत ना हो। तो देखो ये मास्किंग स्टार्ट हो चुका है, तो दिखाते हैं पहले इसकी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे कवर कर दिया जाएगा, तब जाके इसकी जेंटल वॉश होगी। हालांकि आप एयर प्रेशर से भी कर सकते हो। तो चलिए देखिए इसका फटाफट से वॉशिंग और फिर दिखाते हैं पॉलिशिंग। तो गाइज देखो जो मेन रीज़न था मुझे वॉशिंग कराने का, वो मेन रीज़न ये था कि मुझे अंडर बॉडी अपनी गाड़ी की जो बलेनो की है उसके जो मड जमे होते हैं, जिससे बॉडी में अंडर बॉडी आप कह सकते हो रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए। हालांकि मैं जनरली साल में कह सकते हो 4 या 5 बार मैं बाहर वॉश कराता हूँ जब भी नीड लगता है मुझे। हालांकि मैं घर पे धोता हूँ, फिर से बोलूँगा कि आई बटन में लिंक है, आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया मेंटेन करेंगे। देखो कितना बढ़िया क्लीन हो गया। तो इससे एक क्लियर हो जाता है कि आपके अंडर बॉडी में कभी रस्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और हाई प्रेशर होता है तो इनके प्रेशर से काफ़ी बढ़िया से क्लीन हो जाता है। इसलिए आप आफ्टर मार्केट भी वॉश कराओ, गाड़ी की केयर आप करना चाहते हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि 1-2 बार मिनिमम 3-4 बार तो आप करा ही लो। तो देखो ये कितना बढ़िया से क्लीन हो गया। यही मेन रीज़न था क्योंकि मैं कीचड़ वाले इलाके में ज़्यादा गाड़ी चला लिया था, आपने देखा ही था बहुत सारे मड थे, तो वो हाई प्रेशर से क्लीन हो गया। इसलिए मैं अंडर बॉडी दिखा रहा हूँ, जनरली ऊपर के वॉश तो आप घर पे भी कर लोगे, इसलिए बाहर से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी गाड़ी की केयर कर रहे हो तो ज़रूर कराओ। खास करके कीचड़ वाले इलाके में जब ड्राइव करो तो ज़रूर आप आफ्टर मार्केट या बढ़िया हाई प्रेशर वाले आपके घर पे है आप अंडर बॉडी कर सकते हो वॉश, तो खुद से ज़रूर करो ताकि रेस्ट खाने से आपकी गाड़ी बचे और गाड़ी की आप केयर करो। तो चलिए इसको होने देते वॉशिंग। चलिए अभी इसके देखते हैं कि जो मेरे इंजन में बहुत सारे थे, ये देखो इंजन क्लीन हो चुकी है, जो मैंने दिखाया था आपको डस्ट वो देख सकते हो, और ये क्लीन होने के बाद क्या है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अगर घर पे वॉश कर रहे हैं तो आप इंजन में पानी का यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी प्रोफेशनल है और बहुत ही जेंटल तरीके से यूज़ किया गया है कि ताकि इंजन को कोई नुकसान ना हो। तो आप बिल्कुल घर पर ना ट्राई करें, या कहीं भी आप जाते हैं जहां नॉलेज नहीं है उनको मना करें कि इंजन में पानी नहीं डालना है, अगर आपको फेथ है तभी कराएं क्योंकि क्लीनिंग। तो अब ये क्या हो रहा है, शैम्पू अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि फोम वॉश करवा सकता था मैं, लेकिन रीज़न है कि ये कह रहे हैं पॉलिशिंग करना है, तो एक एक चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि कैसे कहाँ कहाँ पॉलिशिंग है। तो ये शैम्पू अपने हाथों से अप्लाई करें, जनरल फोम वॉश भी करा दोगे वो भी बढ़िया होता है, वो डिपेंड करता है कि पॉलिश और आपके वॉशिंग वाला कैसा है, उसके पास कौन से सेटअप है। ये बोल रहे हैं कि हम जनरली ऐसे करते हैं आप फाइनल रिजल्ट देखें, तो मैं भी उसका वेट कर रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे फोम वॉश कराना है, हालांकि मैं रिज़ल्ट मैटर करते हैं। तो शैम्पू कर दिया है इन्होंने, 3M का एक शैम्पू है इनका डब्बा सा, हालांकि 3M को उस पर नाम नहीं था बट यूज़ किया है। ये देखो इसकी हो गई है पॉलिशिंग स्टार्ट कर दी है। नो ये सबसे बढ़िया लगा कि ये वुल्फ पैड यूज़ करते हैं
और इस पर बढ़िया से पॉलिश अप्लाई किया है। देखो ड्राई होने के बाद बिल्कुल ड्राई होने के बाद की जा रही है। मेरे बलेनो का कलर देख सकते हो अभी बिल्कुल फेड लग रहा है। और अब ये वो फेड यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि इसकी शाइन बढ़िया है कि ड्राई होने दिया है और बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 20 मिनट तक ड्राई होने दिया, उसके बाद ये पैड यूज़ करके शाइन के लिए अब ये इसकी पॉलिशिंग स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका फटाफट से लुक कि कैसा लुक आता है पॉलिशिंग के बाद, तो मैं दिखाता हूँ आपको फाइनल लुक। देख सकते हो गाइज ये लुक अपना आने लगा और शाइन बढ़िया आने लगी है बलेनो में। हालांकि कह रहे हैं कि ये वुल्फ फेड चलाने के बाद भी एक बार क्लीन करेंगे, वो भी ड्राई कोई पैड है इनका जो कि क्रीम लगा के क्लीन करेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसको होने देते क्लीन। अब देख सकते हो गाइज ये है मेरी बलेनो की फाइनल जो वुल्फ फेड के बाद जो क्लीनिंग की है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो कि मेरी बलेनो कैसी लग रही है, और आपके पास भी कोई व्यू है, कोई कमेंट्स है, सुझाव है, ज़रूर आप कमेंट करें। कमेंट्स बॉक्स आपका है, मैं दोबारा कहूँगा शेयरिंग इज केयरिंग, आप मेरे साथ शेयर कीजिए नॉलेज, हो सकता है मुझे कुछ आपसे सीखने को मिल जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी बलेनो कैसी लग रही है आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना, और इसकी कॉस्ट भी मैं आपको क्लियर करूँगा मैं कितने में वॉशिंग एंड पॉलिशिंग करा है। तो आप एक ओवरव्यू देख लें, वॉक अराउंड देखें आप इसके, देखें कितने बढ़िया शाइन है ये, क्योंकि इन्होंने वुल्फ पैड यूज़ किया, जो पैड होता है आप कह सकते हो उसको वुल्फ पैड कहते हैं, बढ़िया से यूज़ किया है इसलिए शाइन आया। जनरली लोग कपड़ा मारते हैं नॉर्मल आप वॉशिंग कराओगे तो, लेकिन ये जैसे रबिंग में लोग करते हैं वो वाली पैड यूज़ किया है, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, टाइम दिया है मुझे। और ये देखो क्लीनिंग कितना बढ़िया है और शाइन काफ़ी बढ़िया आई है। तो ये तो हुई मेरी बलेनो की फाइनल लुक, जो कि मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप कमेंट्स करके बताना। और कोई अच्छे जगह है दिल्ली में तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं वो जगह भी ट्राई करूँगा। तो मेरी बलेनो बिल्कुल आप कह सकते हो नॉर्मल शेड में खड़ी है और हल्का हल्का धूप भी है, तो ये आप देख सकते हो इसका शाइन नेचुरल लाइट में है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बलेनो जो नेक्सा ब्लू है वैसे तो काफ़ी बढ़िया कलर है, और इसकी शाइन काफ़ी बढ़िया लग रही है मेरे को देखने में, और काफ़ी बढ़िया पॉलिशिंग की है। तो मैं भी इसका रिज़ल्ट वेट करता हूँ 1 मंथ के बाद, अगर आप चाहेंगे तो मैं आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा इसकी पॉलिश कैसी, कितना देर तक, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, वो एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्राइस की बात करें तो नॉर्मल कार वॉश की, यहाँ कार वॉशिंग और नॉर्मल पॉलिशिंग की 300 में होती है, आप कार वॉश प्लस वुल्फ पैड से कराएंगे तो आपको ऑलमोस्ट 500 का होगा। तो ये है अपना लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि मेरी आने वाली ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।